ये बसपा प्रमुख मायावती के नाम अखिलेश का सबसे बड़ा सियासी संदेश है। संदेश ये कि कांशी राम की राजनीतिक विरासत पर सिर्फ मायावती की ही दावेदारी नहीं, दावेदारी हमारी भी है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का वो शुरुआती दौर था और उसके बाद गठबंधन होकर के आगे बढ़े, लेकिन समाज की और देश की और राजनीतिक ताकतें ऐसी रहीं जिन्हें कभी अच्छा नहीं लगा कि इस तरह का गठबंधन हो, इस तरह की ताकत एक साथ समाज में काम करे और लोगों को जोड़ने का काम करे। इससे पहले भी जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे, किन्हीं कारण परिस्थितियों की वजह से दोनों लोग साथ मिलकर के काम नहीं कर पाए। ये तस्वीर रायबरेली के गदागंज की है, जहां के दीन शाह कौरा में अखिलेश यादव ने बसपा के संस्थापक कांशी राम और सपा नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के पिता बदलू मौर्य की प्रतिमा का अनावरण किया। स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय तक बसपा में रहे हैं। वे कभी कांशी राम के बेहद करीबी रहे, लेकिन बदले हुए सियासी दौर में अब स्वामी सपा के साथ हैं। पर कांशी राम की राजनीतिक विरासत पर उनकी भी अपनी अलग दावेदारी है। इसी नाते स्वामी ने कांशी राम की प्रतिमा के अनावरण के लिए न सिर्फ अखिलेश को न्योता दिया, बल्कि ये भी साफ संदेश बसपा के खेमे तक पहुंचा दिया कि अब ओबीसी के साथ ही दलितों की एकजुटता भी सपा के साथ दिखेगी। इस बार जनता के अंदर और खासकर बहुजन समाज के अंदर इस तरह का भरोसा है कि समाजवादी पार्टी और जो हमारी पार्टी की लीडरशिप है, सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में मुकाबला करेंगे। सियासत का ये वो दौर है जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को ओबीसी और दलितों के हक की आवाज उठाने वाले नेताओं की कतार में पोस्टर बॉय की तरह पेश कर रहे हैं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को पिछड़ों और दलितों के लिए अपमानजनक बताकर उन्होंने जिस बहस को हवा दी, वो राजनीतिक जमीन पर बड़े बवंडर का सबब बने, लेकिन इसके जरिए स्वामी ने अपनी अलग छवि बनाने में कामयाबी जरूर हासिल कर ली। अखिलेश यादव ने तमाम बवाल के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य को इस मुद्दे पर कभी भी सार्वजनिक तौर पर ना तो नसीहत दी और ना ही चुप करवाया। इशारा साफ था। यही नहीं, अखिलेश ने शूद्रों के साथ भेदभाव के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाकर ये साफ कर दिया कि उनकी रणनीति क्या है। फिर आया दौर कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का, जिसमें अखिलेश ने स्वामी को मंच पर जगह देकर अपना इरादा साफ कर दिया कि पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य का कद कितना ऊपर है। और अब स्वामी के बुलावे पर अखिलेश ने कांशी राम की प्रतिमा का अनावरण करके ये साफ कर दिया है कि ओबीसी कार्ड के साथ अब सपा दलित कार्ड भी चल चुकी है। अखिलेश की तरफ से कांशी राम की मूर्ति का अनावरण सीधे सीधे मायावती की सियासत को चुनौती है। हम सब लोग मिलकर के बहुजन समाज को जोड़ना चाहते हैं, उनको बांधना चाहते हैं। आज जो बीजेपी की सरकार आपको दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं पिछड़े और हमारे बहुजन समाज के लोग थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं उनकी, लेकिन इस बार कोई भी उनकी मदद करने नहीं जा रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सामने नहीं आती है। जाहिर है अखिलेश की ये रणनीति बसपा को चुप गई। पार्टी ने एक पल भी चुप रहना गवारा नहीं किया। समाजवादी के लोग इतना बौखला गए हैं कि इनको क्या करना क्या नहीं उनके समझ में नहीं आ रहा है। माननीय कांशीराम साहब बहुजनों के महापुरुष हैं, पिछड़ों के महापुरुष हैं, हर समाज के लोगों को राजनीति में चेतना जो पैदा की है वो माननीय कांशीराम साहब ने की है। यहाँ तक माननीय कांशीराम जी की बात है, देश की धरोहर हैं, हर लोग उनको पूजता है, हर लोग उनकी मूर्ति लगाना चाहते हैं, और कोई भी आदमी हमारी पार्टी के जो संस्थापक रहे हैं उनकी मूर्ति लगाता है, तो इसमें कुछ चिढ़ने वाली बात है ही नहीं, तो अच्छी बात है। जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ही अच्छे तरीके से पूरे देश में माननीय कांशीराम जी का नाम फैलेगा, तो हमें फायदा होगा ही 100%। दलित वोट बैंक पर सपा और बसपा के बीच तलवारें खींची हैं तो भाजपा अखिलेश यादव पर निशाना साध रही है। पार्टी ये भी कह रही है कि चुनाव में जनता सिर्फ पीएम मोदी के काम और कमल निशान की जीत के लिए वोट करेगी। हिडन एजेंडा जब जनता को पता होता है ना, तो फिर कुछ सत्ता नहीं है,
बल्कि लोग इसको एक पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं। लेकिन उस समय तो काशीराम जी के अनुयायी और उनके उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी पर गेस्ट हाउस कांड करके लगभग उनकी जान ही ले ली थी। तो सबको पता है कि ये हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। सपा हर चुनाव में नया प्रयोग करती है। अब ये देखना है कि कांशीराम के नाम पर हुआ ये प्रयोग क्या दलित वोटरों को पार्टी की ओर खींच पाता है।